गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी बताई हुई सिर्फ ही कुछ एक्सरसाइजेस घर पर बैठे बैठे फॉलो कर लीजिए, एक महीने में आपका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। इनफैक्ट ये आपके ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने के साथ साथ आपके ब्रेस्ट को लिफ्ट भी करेगी। जिन लेडीज की अभी डिलीवरी हुई है उनका ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से आपका ब्रेस्ट ढीला पड़ जाता है, लटक जाता है। तो आप अगर अपने ब्रेस्ट को फॉर्म करना चाहते हैं, फुलर शेप देना चाहते हैं, टाइट करना चाहते हैं या उसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रेगुलर एक महीना जरूर फॉलो करें मेरी बताई हुई सारी एक्सरसाइजेस। इतना विजिबल रिजल्ट होगा कि आपकी आंखों के सामने होगा, वो भी बिल्कुल नेचुरल। लेकिन आपने एक शर्त है, बीच में कोई भी दिन स्किप नहीं करना, उसको रेगुलर फॉलो करना है। देखिए हम गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम टीन एज से यानी चाइल्ड एज से हम टीन एज पे आते हैं और 25 तक क्रॉस करते हैं, तो हमारा फिजिक तो बढ़ता है, मतलब हमारी हाइट ग्रो होती है, हमारी एज बढ़ती है, लेकिन हम फिजिकली नहीं बढ़ पाते। मतलब हमारा ब्रेस्ट साइज बहुत छोटा होता है जो हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देता है, कोई भी ड्रेस हम पे सूट नहीं करती। तो आज से ये वाली एक्सरसाइज अगर आप फॉलो करेंगे और रेगुलर अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ट्राई दिस और जो भी रिजल्ट रहेगा तो प्लीज मुझसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और उसके साथ जो मेरी फैमिली में लोग नए जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जम कर लाइक करें और बहुत सारा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयरिंग, अगर कोई लड़का भी देख रहा है वीडियो तो वो भी अपनी सिस्टर के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर सकता है। क्योंकि अगर हम एक अच्छी नियत से, भावना से किसी चीज को शेयर करते हैं और किसी की हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। तो बस ऐसी खूबसूरत प्यार देते रहें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ प्यारा सा लेकर आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको क्या करना है, स्लाइटली से अपने नीज बेंड करने हैं। बेंड करने के बाद अपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से प्लेस करना है, अपने कंधों को आगे लेकर आना है, अपनी अपर बॉडी को बैक यानी हिप्स को पीछे की तरफ रखना है आपने, और ऐसे खड़े होकर इस तरह से हैंड्स को प्लेस करके वन हैंड आपने फोर्सफुली बैक करना है। क्योंकि जब आप बैक करेंगे ऐसे ही आपको 20 टाइम्स वन साइड करना है, 20 टाइम्स आपको अदर साइड करना है। जब आप इस तरीके से बैक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी यहाँ की मसल यानी आपकी ब्रेस्ट की मसल आपकी खिंचती हैं, वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके उस मसल्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, जिससे क्या होगा आपका ब्रेस्ट अच्छा फुलर साइज का होगा और आपका ब्रेस्ट अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लटक सा गया है, ढीला हो गया है, वो लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वहां की मसल स्ट्रेच आउट होंगी और वहां का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वर्कआउट। इसके करने हैं आपको वन साइड 10 रैप्स और 10 रैप्स के आपको करने हैं 3 सेट, यानी आपको 30 साइड करने हैं, राइट साइड 30, आपको लेफ्ट साइड। टाइटनेस से बदल जाएगी, आपकी ब्रेस्ट फॉर्म हो जाएगी, टोन हो जाएगी
और आपकी ब्रेस्ट को एक अच्छा और फुलर साइज मिलेगा। तो आपको करने हैं इसके 20 रैप्स और 20 रैप्स के आपको करने हैं 3 सेट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ही वो आपके इफेक्टिव तरीके से आपके ब्रेस्ट को ग्रो करेगा, फुलर शेप देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आपको करने हैं 20 रैप्स और 20 रैप्स के आपको करने हैं कम से कम 3 सेट्स। अपनी मर्जी से आप इंक्रीज करिए अगर आप अपने ब्रेस्ट पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटर रिजल्ट मिले, राइट? और इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सिंगल डंबल से आप बिल्कुल लेट जाइए सीधा और आपको अपने डंबल को इस तरीके से पीछे हाथ से ऐसे ऐसे होल्ड करना है। इस तरीके से पोजीशन रहेगी, या वाटर बॉटल को भी जो उसका नेक होता है गला वहां से पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच। आप देखो मेरे ब्रेस्ट पूरा प्रॉपर पीछे की तरफ खिंच रहा है, तो यहाँ पे पूरा मेरा ब्रेस्ट में स्ट्रेच आ रहा है। बैक पूरा आपने आर्म्स को स्ट्रेच रखनी है, देन आपको डंबल को इस तरीके से ऊपर लेकर आना है, फिर डाउन फिर अप। आपको करने हैं 20 रैप्स, 20 रैप्स के करने हैं आपको 3 सेट, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो में। We'll be right back.
गाइस अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको लेनी है डंबल्स। ऐसे दो डंबल्स होंगे, कोई बात नहीं, अगर डंबल्स नहीं है तो आप एक एक लीटर की दो बॉटल ले सकते हैं या 2 लीटर की भी 2 बॉटल ले सकते हैं, जैसे भी आप जितना वेट कंट्रोल कर पाए। और इसके लिए आप एक मैट ले लीजिए, उस पर बिल्कुल सीधा आपको लेटना है, इस तरीके से आप बिल्कुल सीधा लेट जाइए। उसके बाद डंबल्स को आपने ऊपर लेके जाना है अपनी ब्रेस्ट के पास, ऐसे दोनों को स्ट्रेट, देन अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए अपनी चेस्ट से लगाते हुए देन ऊपर, ऐसा आपको 10 बार करना है और 10 के करने हैं आपको 3 सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपका ब्रेस्ट को प्रॉपर साइज मिलेगा। तो बेसिकली जितने हमारी एक्सरसाइजेस हैं वो प्रॉपर और प्रॉपर फोकस करिए हमारे ब्रेस्ट साइज पे, ब्रेस्ट की मसल्स पे। तो हमें उसको अच्छे से फोर्स करना है, 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है पोजीशन को, 10 सेकेंड ब्रेक लेना है, देन इसी को हमें 4 टाइम्स रिपीट करना है, यानी 30 सेकेंड्स ब्रेक फिर 30 सेकेंड ब्रेक, ऐसे हमें 4 बार यानी 4 सेट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट होती है प्रॉपर एक्सरसाइजेस जो आपके ब्रेस्ट साइज को बहुत ही अच्छा लुक देंगी, बहुत ही अच्छा ग्रो करेंगी, फुलर लुक देंगी, फॉर्म करेंगी। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि बिना स्किप करे रेगुलर फॉलो करे, विद इन अ मंथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यार, ट्रस्ट मी। अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके जाओ और अपना बेहतरीन वाला रिजल्ट उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में अगर आप चाहते हो कि ब्रेस्ट इंक्रीज के लिए जो ऑयल यूज करना है वो कैसे बनाना है, वो भी आपके इफेक्टिव तरीके से आपके मसल्स को ग्रो करता है, तो कमेंट करो, डेफिनेटली मैं वो ऑयल भी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं हंसी खुशी के साथ, कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नई बेहतरीन एक्सरसाइजेस के साथ। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।